एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि इस फील्ड में हमको अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत रिक्वायर्ड है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि लोग के बहुत साल नहीं तो ये समझने में ही ख़राब हो जाते हैं कि वो किस चीज़ में फंस चुके हैं। सो आप लोगों के सहयोग के लिए थैंक यू, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है, उन सब के लिए थैंक यू। और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमें ये हिम्मत मिलती है कि अगली बार एक नया वीडियो लेकर के आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं और लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये हमारा वीडियो बनाने का फ़ायदा है। सो हम शुरू करते हैं नार्सिसिस्ट चेकलिस्ट से। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी पॉइंट्स, जिसमें से अगर आपके कुछ पॉइंट्स करेक्ट होते हैं, मेजॉरिटी पॉइंट्स करेक्ट होते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि वो इंसान एक नार्सिसिस्ट है। तो आज मैं, क्योंकि इंग्लिश की चेकलिस्ट तो बहुत सारी है, आज मैं हिंदी में आप लोगों को एक चेकलिस्ट बताऊँगी। सो हमारी चेकलिस्ट में जो नंबर वन है वो है नीडिंग एडमायरेशन, यानी कि हमेशा उन्हें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि उनको एडमायर करें, उनकी तरफ देखते रहें, उनको अटेंशन दें, यानी कि उनको नीड चाहिए, एक अटेंशन चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि ओवर्ट नार्सिसिस्ट तो बहुत क्लियर एडमायरेशन मांग रहा होता है, बहुत ही क्लियर अटेंशन मांग रहा होता है। तो आपको ये जो है, ये कई बार ये जो हमारी चेकलिस्ट है ग्रैंडियोस के जैसा लगता है, यानी ओवर्ट और कोवर्ट दो तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, ये ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। कोवर्ट को पहचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही छुपे हुए वे में करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें एडमायरेशन चाहिए होती है। वैसे वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के लगते हैं, ज़्यादा पब्लिक में जाते नहीं हैं, और पर यह है कि उनके जो चार पांच लोग होते हैं उन्होंने बांध रखे होते हैं जिनसे वो एडमायरेशन लेते हैं, उनको समझना बहुत टफ है। पर ध्यान देंगे तो इसमें से काफ़ी सारी चेकलिस्ट में से आपको काफ़ी सारी चीज़ें कोवर्ट के लिए भी आपको सही लगेंगी। तो ध्यान में आप कोवर्ट ओवर्ट दोनों को रखिए, सिर्फ ओवर्ट नहीं, क्योंकि आपको चेकलिस्ट के बाद नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोवर्ट से मैच नहीं कर रही है और चेकलिस्ट से कोवर्ट के लिए नहीं है ऐसा लगता है, बट एक्चुअली ये दोनों के लिए है। और कोवर्ट बहुत ही दबे हुए में वही काम करता है, तो उसको आपको पहचानना, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो वो आपको तब समझ में आएगा। फिर सेकंड है लैक ऑफ एम्पथी, यानी कि सहानुभूति की बहुत ही कमी होती है। आप देखेंगे, आप कभी भी उनके, अब वो बहुत ही क्लियर समझ में आती है, और ये कोवर्ट और ओवर्ट दोनों के साथ ही सेम लगती है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, दूसरों को बहुत फ़ायदा से बहुत फ़ायदा लेते हैं, ये दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, खासकर इनके जो नज़दीक होते हैं, जितने आप नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बाहर इनकी इमेज दूसरी होती है, आपके सामने इनकी क्योंकि इमेज दूसरी होती है। तो यहाँ पे जो चेकलिस्ट होती है इसको आपको समझना है कि किस तरीके से ये आप यूज़ करेंगे। ग्रैंडियोस सेल्स, अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ बहुत महान है और अपने आप को लोगों से अलग और महान समझते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं अपने नज़दीक के लोगों को, बहुत जितना नज़दीक होगा उसका उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। आपके चेकलिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट है इंटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म। इंटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म यानी कि आप अगर इनसे बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आप जो है मेरे को परेशान कर रहे हो, आपने सिंपल सी बात भी बोली, सिंपल जो वो कर रहे हैं उसी को आपने बहुत प्यार से भी बोला, तो भी वो बहुत ही अजीब सा व्यवहार करेंगे और वो बिल्कुल भी आपकी अपने ही बारे में वो नहीं सुन सकते। मैनिपुलेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इधर की घुमा के बात, उधर गैस लाइटिंग यूज़ करते हैं, स्टोन वॉलिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, दुनिया भर के इनके पास चीज़ें होती हैं आपको मैनिपुलेट, यानी कि आपको घुमा के बात करने की इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त कला होती है। होता कुछ है, बोलते कुछ है और बिल्कुल घुमा देते हैं बात को, मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी बहुत होती है, आप देखोगे कि एक अजीब सा एंग्जाइटी इनके अंदर होती है और किसी भी बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फेयर ऑफ रिजेक्शन, यानी इनके अंदर हमेशा एक डर होता है कि हमको लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अपने बारे में कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं,
इसीलिए ना तो ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर पाते हैं, इसी वजह से इनके अंदर एंग्जाइटी होती है। और फेयर ऑफ रिजेक्शन यानी कि लोग हमें छोड़ देंगे, लोग हमको, इसीलिए ना तो किसी के प्यार पे इनको भरोसा होता है, ना किसी रिश्ते पे भरोसा होता है, और इनके अंदर हमेशा ये डर रहता है कि मुझे छोड़ के चलाएगा, मेरे को छोड़ देगा। अबंडनमेंट की भी एक फीलिंग इनके अंदर होती है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी ये समझते हैं कि अपने आप को ये लोगों से अलग है, महान है, और इनके ऊपर कोई कुछ भी कर सकते हैं, ना इन्हें कोई काम करने की ज़रूरत है, ना इनको कोई लॉ फॉलो करना है, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हमारे जो आगे के पॉइंट्स हैं वो हैं अंडर वैल्यूइंग द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स, यानी अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी वो बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करेंगे, आप ध्यान दोगे आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने भूले भटके प्रशंसा कर दी लव बॉम्बिंग के लिए, तो उसके एक दो शब्द सेंटेंस के बाद कहीं ना कहीं आपका एक मजाक भी उड़ाएंगे वो, तो आपकी कोई प्रशंसा आपकी किसी, क्योंकि वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, आप बहुत ध्यान देंगे तो उनके अंदर कोई उनकी आइडेंटिटी ऐसा लगता है ही नहीं, कभी तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है डिप्रेस टाइप के हो गए, कभी अचानक लगता है उनको बहुत सुपीरियर फील हो रहा है, खासकर कोवर्ट के साथ ये बहुत होता है, तो आइडेंटिटी इनकी क्लियर नहीं होती है, इनके आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त होता है, सो आइडेंटिटी का इनको बहुत इशू रहता है। एक्सपेक्टिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, सबसे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट इन्हें लगता है कुछ बहुत महान है और सबको इन्हें स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, सो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है स्पेशल ट्रीटमेंट की। फीलिंग ऑफ शेम, सो जो इनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है फीलिंग ऑफ शेम, इनको अंदर से एक शर्म की फीलिंग होती है, खासकर कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर। आप देखेंगे कुछ चेकलिस्ट में कोवर्ट से बहुत मैच कर रहे हैं, कुछ चेकलिस्ट में ओवर्ट से बहुत मैच कर रहे हैं, बट ओवरऑल इसमें से बहुत सारी मेजोरिटी चीज़ें कोवर्ट ओवर्ट दोनों में होती हैं, सो फीलिंग ऑफ शेम होगी, इसीलिए वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है उनको। एग्जेजरेटिंग देयर अचीवमेंट, इनको एग्जेजरेट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, ये इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने कुछ ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत महान है, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफ़ करते हैं, इन्हें मौका मिल गया तो अपनी तारीफ़ करने का इनको बहुत शौक होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें करना, अपनी तारीफ़ करना, उसका इनको बहुत शौक होता है, तो ये बहुत एग्जेजरेट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, अपनी तारीफ़ों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। सो ये आपका नार्सिसिस्ट चेकलिस्ट है, इसमें से अगर मेजॉरिटी करेक्ट आ रहे हैं, आप जिसको सोच रहे हैं नार्सिसिस्ट, तो संभावना है कि वो एक नार्सिसिस्ट हो सकता है। और कोवर्ट पे जाना मैंने आपको बोला बहुत टफ है, बट हाँ, क्योंकि क्या होता है कि नार्सिसिस्ट के साथ वही लोग आगे भी लाइफ में फंसते हैं जो कि बचपन में उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट, और अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो आपने तो कोई हेल्दी पर्सन देखा ही नहीं, पहला ही आपका जो इंटरेक्शन रहा है पेरेंट्स के साथ ही होता है, तो बहुत मुश्किल होता है इनको पहचानना, तो एक बाहर से थर्ड पर्सन यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस, एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास भी आप लोग ज़रूर जाएं, उनसे एडवाइस लें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो, अगर आप पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपका तो पहला जो पर्सन होता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो पेरेंट्स होते हैं, आपको पता ही कैसे चलेगा, आपकी तो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति वो बढ़ा देते हैं कि आपको गलत भी गलत नहीं दिखता। अगर आप बाई चांस आपके स्पाउस यानी शादी के बाद आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो संभावना है आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट रहे होंगे, तो भी आपको हेल्दी कैसे होते लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी कहा जाता है कि एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के एडवाइस लें, जो आपको एज अ पर्सन थर्ड पर्सन जो कि आपको बाहर से ये चीज़ें आपकी क्लियर और करेगा। बट हाँ, एक बार आपकी क्लियरिटी हो गई कि हाँ ये चेकलिस्ट से बहुत चीज़ें मैच कर रही हैं और बहुत संभावना है कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, तो एटलीस्ट आप भी एक व्यू लेकर के साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, भाई मुझे ऐसे लग रहा है, आप भी अपनी व्यू दे सकते हैं, क्योंकि तो थोड़ा और आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एक दूसरे में इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, एक अपनी समझ भी होनी एक ज़रूरी सी हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।